हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एमयू के एप्लीकेशन फॉर्म यानी एडमिशन फॉर्म और बाकी अब तक जो एमयू के वेबसाइट पे अब तक जो अपडेट आ रखे है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको इसके लिए गूगल पे चले जाना है, सर्च कर लेना है एमयू एग्जाम कंट्रोलर। जैसे ही जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा, इसके बाद आपके इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। बड़ा सिंपल है, आप खुद भी एमयू की वेबसाइट पर जाकर काफ़ी सारे जो भी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट में आए हुए रहते हैं वो आपको, एक तो अभी फीचर्ड वाले सेक्शन में जो भी स्टूडेंट्स पार्ट टाइम के लिए अप्लाई किए थे फाइनल उनका लिस्ट आ चुका है। जो भी स्टूडेंट है इसमें बेसिकली पार्ट टाइम कोर्स आपको इस तरीके से समझना है कि ऑलरेडी जैसे जामिया के पास अंडर में पार्ट टाइम कोर्स है, सिंपली जो इंटरनल स्टूडेंट है यानी कि जो एमयू में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए पार्ट टाइम कोर्स चलाया जाता है, सेम एज इट इज जामिया में भी है। तो मैं आपको सिंपली एक आइडिया दे रहा था। बाकी ये है कि एडवांस डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा इन लिंग्विस्टिक में, तो इन सारे का आ चुका है, आप सिंपली खुद ही आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। रहा सवाल इसके अलावा बाकी चीज़ों को लेकर, तो मैं अभी फॉर्म को लेकर अपडेट देता हूँ क्या अपडेट है यहाँ पे, ये रहा। अब इसमें और भी अलग अलग कोर्स की सब खुद देख लीजिएगा जो जो स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली पार्ट टाइम में अप्लाई किए वो। दूसरा, ये स्कूल के फॉर्म के लिए तो फर्स्ट सिक्स नाइन्थ का फॉर्म आ चुका है, एलेवेंथ साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए, और बाकी यूनिवर्सिटी के फॉर्म के लिए उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना है, आप वेट कर लीजिए थोड़ा। बाकी जो स्टूडेंट्स फोर ईयर प्रोग्राम में एमयू में एडमिटेड हैं उनका रजिस्ट्रेशन का लिंक ये है, आप इससे आप खुद को लिंक फॉर्म फिल कर पाएंगे FYUP वाला रजिस्ट्रेशन को लेकर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो नॉर्मली फॉर्म को लेकर, अभी मैं आपको पहले ही बता दूँ एमयू का बीटेक में जो है फॉर्म जो है सिंपली जब सबके फॉर्म आएंगे तो आपका भी आ जाएगा, और जिस भी स्टूडेंट को एमयू के बीटेक के क्वेश्चन पेपर चाहिए या एलेवन साइंस आर्ट्स कॉमर्स एंड बीए का पेपर चाहिए तो सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मैसेज कर लीजिए वहाँ मुझे। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेपर के लिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो बीटेक का रहा सवाल, तो फॉर्म एक बार में ही आएगा, जैसे या अलग बात है एमयू डबल ई के नाम से पेपर होता है, लेकिन यह कि फॉर्म सबके एक बार ही आते हैं और एंट्रेंस एग्जाम होपफुली आपके मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में आपके होकर रहेंगे, ये सारी चीज़ एक्सपेक्टेड है। बट एमयू के कुछ कोर्स जो ऐसे जो CUET में गए हैं और उसका फाइनली फॉर्म जो है इसी वीक में आने वाला है, तो अपडेटेड रहिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपको किसी भी, जैसे उससे पहले थोड़ा रिमाइंड करते हैं, एलेवन साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स इवन डिप्लोमा हो गया, बीए और BLLB के लिए एमयू की अगर तैयारी करना चाहते हैं इस स्टूडेंट को भी में बैच चलाया जा रहा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है। ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स एमयू में सेलेक्टेड हैं लास्ट ईयर, चाहे वो बीए ऑनर्स में हो या एलेवंथ में हो, आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं। बाकी अगर एमयू के कोर्स किसी भी स्पेसिफिक कोर्स से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, ऑलरेडी ज़्यादातर वीडियोस मैंने अपलोड किया भी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियोस बना दिया जाएगा। थैंक यू। दूसरा, मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, अगर आपको फॉर्म के बारे में डेटा चाहिए तो आपको इस वाले सेक्शन जैसे यहाँ पे देख लीजिए, वेरियस कोर्स ऑफ पार्ट टाइम को जो बात कर रहे थे, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है वेरियस कोर्स फॉर पार्ट टाइम, तो आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो जितने भी पार्ट टाइम कोर्स में स्टूडेंट ने अप्लाई करा है उनका भी लिस्ट आ चुका है। दूसरा, मैं यही कहना चाहूँगा जो इंटरनल स्टूडेंट्स हैं वही लोग पार्ट टाइम कोर्स करते हैं, बाकी एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए ही कि आप इंटरेस्ट दीजिए एंड देन फिर एडमिशन वहाँ पे लीजिए, तब आपके पास ऑप्शन आएंगे। बाकी कोई भी क्वेरी होगा कमेंट करिए, ये सारा लिस्ट है, ऑलमोस्ट 15 पेजेस का PDF है,